हमने उसको और ला कर दे, उसको और चाहिए थे, बिकॉज शी सेड कि मैं विदाउट बुर्का पहने मीडिया में नहीं जाऊँगी, मैं हर बार अबाया पहन कर ही जाऊँगी। उसने कुछ पता नहीं उसने क्या डिसाइड किया था, क्यों किया था मुझे नहीं पता। ईच अगर वो बार बार इंसिस्ट कर रही है मेरी सिस्टर से कि मिला दो मिला दो, सो अगर वो शाहरुख खान भी होता तो शायद मैं नहीं मिलती, क्योंकि जान बचाना मेरे लिए सबसे ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट था। उनके कुछ पर्सनल मैटर थे या कुछ ऐसा कुछ, मैं मुझे पता चला है कि बेल कैंसिल हो गई है उसकी या बेल मिली नहीं है, ऐसा कुछ है। सो दैट कुड बी वन ऑफ द रीज़न कि वो बॉम्बे में नहीं है या इंडिया में नहीं है। पर्सनली आज भी नहीं जानती वो क्या है, क्या करती है, मुझे नहीं पता। पर उस बीच जब मेरी कीमोथेरेपी चल रही थी पिछले 3-4 महीने पहले, उस वक्त इसका कुछ, इसके हस्बैंड और कुछ फ्रेंड्स के साथ इसका कुछ चल रहा था। सी जैसे आपको पता है कि पिछले 1 साल से मैं कैंसर से लड़ रही थी, और उसी बीच एक नया कैंसर मेरी लाइफ में आया था जिसका नाम है राखी सावंत। मुझे नहीं पता था, मैं उसे पर्सनली आज भी नहीं जानती वो क्या है, क्या करती है, मुझे नहीं पता। पर उस बीच जब मेरी कीमोथेरेपी चल रही थी पिछले 3-4 महीने पहले, उस वक्त इसका कुछ, इसके हस्बैंड और कुछ फ्रेंड्स के साथ इसका कुछ चल रहा था जो अब लीगल हो चुका है, तो उस दौरान ये मेरी सिस्टर के टच में आई और इसने कहा कि उसको उम्रा करने जाना है, तो उसको अभायास चाहिए थे। सो शी सेड तुम मुस्लिम हो, मैं नया नया मुस्लिम कन्वर्ट हुई हूँ, तो मुझे थोड़ा सा कहीं कहाँ से लेकर आना है, ये सब कुछ अरेंज करके दो। सो सिंस जैसे ही एक धर्म की बात आती है तो हम सब इमोशनल हो जाते हैं, तो हमने उसको गिफ्ट में ला कर दे दिए। माई सिस्टर गिफ्टेड हर, और उसने पहने, जाके उम्रा किया, शी केम बैक, एवरीथिंग वाज नाइस, वो अच्छा अच्छा चल रहा था सब। तो उसके बाद उसको जब उम्रा से वापस आई तो उसको फिर से हर बार मीडिया में जाने के लिए अभाया चाहिए था। सो इट वाज नॉट इजी कि उसको हर बार हम गिफ्ट में देंगे, तो आई सेड के कुछ इसका अरेंजमेंट कर देते हैं, कहीं से कुछ हो सकता है। तो सो वी अप्रोच वन अबाया ब्रांड, सो दे सेड किसके लिए चाहिए, तो जब राखी सावंत का नाम बताया तो सबको पता था कि वो अभी नई कन्वर्ट हुई है, तो फिर वही एक होता है, उनको लगा कि चलो एक गिफ्ट में दे देते हैं। तो नॉर्मली जैसे हदिया बोलते हैं मुस्लिम्स में उसको, तो एज अ हदिया उसको दे दिया, एक अच्छा टर्किश स्टाइल का बहुत एक्सपेंसिव एक्सक्लूसिव उसको गिफ्ट में मिला, वो उम्रा के बाद जब हमने उसको और ला कर दे, उसको और चाहिए थे, बिकॉज शी सेड कि मैं विदाउट बुर्का पहने मीडिया में नहीं जाऊँगी, मैं हर बार अबाया पहन कर ही जाऊँगी। उसने कुछ पता नहीं उसने क्या डिसाइड किया था, क्यों किया था मुझे नहीं पता। तो अबाया एक और मिल गया उसको, दो तो पहले मिल चुके थे। फिर शी सेड कि मेरे पास कुछ वॉइस नोट भी है जो मैं आपको सुनाऊंगी कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो किसी ने मेरे घर से, किसी ने जाकर वहाँ पर उसको कॉल लगाया कि कौन से पसंद है देख लो, वीडियो कॉल किया। सो शी सेड के लाल पीला जो जो उसको पसंद आया उसने बता दिए, तो वो उसके लिए अरेंज कर दिए। बात ये हुई थी कि ये पहनेगी, एक स्टोरी डाल के टैग करेगी ब्रांड को और वापस कर देगी, पर ऐसा उसने किया नहीं और वो गायब हो गई। तो जब 20-25 दिन गुजर गए और उसने कुछ टैग नहीं कर रही है और अबाया लेके बैठी हुई है, कहीं अपीयरेंस नहीं है उसका, कोई पैप्स ने उसको कैच नहीं किया, कहीं पे गया नहीं, तो हम लोगों ने उसको कांटेक्ट किया, मेरी सिस्टर ने कांटेक्ट किया, बिकॉज आई वाज नॉट कीपिंग वेल। तो वो एकदम सडनली भड़क गई, अजीब अजीब मैसेज करने लगी कि मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी, मीडिया में जाके तुमको बदनाम कर दूंगी, मुसलमानों को बदनाम कर दूंगी, कि एक अबाया क्या दे दिया तो मेरे पीछे पड़ गए। सी हम नहीं आए थे तुमको अबाया देने के लिए, इट वाज यू जो खुद तुम सामने से आई थी, तुमको ज़रूरत थी और हमने तुम्हारी हेल्प की, तो उसके बदले तुम ये करती हो कि तुम धमकियाँ देने लग जाती हो कि मैं सबको बदनाम कर दूंगी। सी होता क्या है कि स्पेशली जब वो राखी सावंत है तो लोग थोड़ा सा डरते नहीं, अपनी इज्जत बचाते हैं, लोगों को लगता है कि वो किसी भी लेवल पर आके गाली भी दे सकती है, किसी भी लेवल पर कॉन्ट्रोवर्सी कर सकती है, तो लोग अपने आप को बचाने के लिए दूर हो जाते हैं। और उस वक्त मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी, तो मैं ये सब चीज़ों से दूर ही रहना चाहती थी, और आज मैं अगर ये बात कर रही हूँ तो मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ क्योंकि आज आप सबको पता है कि वो जो उसके ऊपर बुखार था
मुस्लिम बनने का वो उतर चुका है, और ऐसा नहीं है कि उसने पहली बार अपना धर्म चेंज किया है। वो पैदाइशी महाराष्ट्रियन थी, फिर बीच में जीसस को मानने लगी, आज वो मुस्लिम हो गई है। तो मुझे नहीं लगता कि वो अपनी लाइफ में कभी रिलीजन को लेके सीरियस हुई है। तो एक बंदी है जो राखी सावंत है, वो रोज़ ऐसे रिलीजन बदलती रहेगी और लोगों को धमकी देती रहेगी, तो ये अच्छी चीज़ नहीं होती। तो मैं चाहती हूँ कि लोगों को पता चलना चाहिए कि इस तरह के लोग भी हैं जो रिलीजन को यूज़ करके पब्लिसिटी भी बनाते हैं, कई बार लोगों को धमकाते भी हैं। मेरा सवाल होगा कि सबसे पहले मुलाकात आपको किस समय हुई, सबसे पहले मुलाकात जो आप डायरेक्ट कनेक्शन हुआ या फिर किसी ने आपको बुलाया बताया कि ये राखी सावंत है? नहीं, डायरेक्ट कनेक्शन वो मेरी सिस्टर है, उसके सलोन्स चलते हैं बॉम्बे में, 3 ब्रांचेस हैं। तो एक उसकी ब्रांच लोखंडवाला मार्केट में है, तो वो डायरेक्ट आई मेरी सिस्टर से, उसने बात की और फिर शी सेड अच्छा ये रोजलिन का सलोन है, तो शी सेड हाँ ऑफ कोर्स सबको पता है, जैसे हम मार्केट में कहीं रहते हैं तो लोगों को पता होता है कि ये किसकी शॉप है, ये कौन ओन करता है, तो उसको पता था। फिर उसने कुछ सर्विसेज ली, आई थिंक 25% भी पे नहीं करती थी वो सर्विसेज का, इनफैक्ट उसका लास्ट बिल भी बाकी है। और उसने बहुत अच्छी दोस्ती कर ली मेरी सिस्टर से, शी वाज सेइंग पिकअप कर लो ड्रॉप कर लो, बिकॉज वो उसकी बिल्डिंग मेरे घर के पीछे ही है। तो दे वर वेरी लाइक, मेरी सिस्टर को ऐसा लग रहा था कि वो दोस्त हैं, पर ऐसा था नहीं। एंड इसके बाद कब आपको लगा कि ये जो चीज़ें हैं थोड़ी फ्रॉड टाइप हो रही है, या फिर ये सिर्फ खाली पब्लिसिटी है, वो पैसा नहीं देना चाह रही, ऐसा कभी? नहीं, मुझे लग रहा था, मुझे जब उसने बार बार मेरी सिस्टर से पूछा कि रोजलिन कहाँ है, मिलाओ ना उससे मुझे, वो क्यों नहीं मिलती मेरे से, उसकी गाड़ी कहाँ है, ड्राइवर कहाँ है, रोजलिन किधर है। सी नॉर्मली ऐसा होता है कि जब आप कीमोथेरेपी करवा रहे हो तो डॉक्टर आपको कहता है कि कीमो के बाद मिनिमम 1 वीक आप किसी से मत मिलो, बिकॉज हमारी इम्यूनिटी बहुत डाउन होती है। उस बीच अगर वो बार बार इंसिस्ट कर रही है मेरी सिस्टर से कि मिला दो मिला दो, सो अगर वो शाहरुख खान भी होता तो शायद मैं नहीं मिलती, क्योंकि जान बचाना मेरे लिए सबसे ज़्यादा बहुत इम्पॉर्टेंट था। तो मैं उससे सिर्फ 5 मिनट के लिए एक बार लोखंडवाला में मिली, तो उस वक्त अपने साथ वो शैलिन को भी लेके आई थी, मैंने उसे सिर्फ हाय कहा, बाय बोल के निकल गए बस। मैं इससे ज़्यादा मेरा उसके साथ इंटरेक्शन नहीं हुआ, पर जब उसने मेरी सिस्टर को इस तरह की धमकियाँ और इस टाइप की वॉइस नोट भेजना स्टार्ट की, तब मैंने उसे एक वॉइस नोट भेजा कि राखी इसको सॉर्ट आउट करो, और मैंने 3-4 मैसेजेस किए कि राखी मेरी इस वक्त तबीयत ठीक नहीं है और तुम ये जो कर रही हो ये ठीक नहीं है, तो मेरी रिस्पेक्ट जा रही है, तो एटलीस्ट जो अभाया तुम्हारे पास हैं जो तुमने नहीं पहने हैं वो भी वापस कर दो। तो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। लास्ट बार उसने कुछ मैसेजेस भेजे, उसके बाद वो गायब हो गई, उसने मुझे सब तरफ ब्लॉक किया। अभी पिछले 10-15 दिन से मैं देख रही हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे से अनब्लॉक हो गई हूँ, और वो मेरे स्टोरीज भी आकर चेक करके जा रही है। जो भी मैं बोलती हूँ राखी के बारे में, कुछ मैंने अगर कहीं कुछ बोला है, इससे पहले भी मीडिया में बताया मैंने, इस बीच कुछ इंटरव्यू के दौरान किसी ने मुझसे पूछा कि वो क्या चीज़ हुई थी तुम्हारे साथ, तो जब मैंने बताया तो वो स्टोरी मैंने अगर डाली इंस्टा पे, तो मैंने देखा कि राखी खुद आकर देख कर जा रही है। और मैं ये सोच रही हूँ कि राखी का ज्वालामुखी फूट क्यों नहीं रहा है, जो बंदी बिना बात के इतनी कंट्रोवर्सी कर देती है, वो अचानक से मेरे मैटर में, जहाँ मैं उसके बारे में खुल के दुनिया के सामने आकर बात कर रही हूँ, उस मैटर में वो चुप क्यों बैठी है? सी ऐसे मैटर में क्या होता है कि अगर मैं लीगली जाती भी हूँ तो मैं मीडिया में नहीं बताऊँगी, उसको खुद पता चल जाएगा कि हाँ, जब वो बॉम्बे आती है, क्योंकि अभी मुझे ये पता चला है कि उसकी बेल कैंसिल हो गई है, कुछ उनके कुछ पर्सनल मैटर थे या कुछ ऐसा कुछ, मैं मुझे पता चला है कि बेल कैंसिल हो गई है उसकी, या बेल मिली नहीं है, ऐसा कुछ है। सो दैट कुड बी वन ऑफ द रीज़न कि वो बॉम्बे में नहीं है या इंडिया में नहीं है। मगर मैं अगर कोई एक्शन लेती हूँ, लीगल एक्शन, तो मैं शायद मीडिया में नहीं बताऊँगी, वो मैं जाके कर दूँगी, और जब वो आएगी तो उसको पता चल जाएगा, बिकॉज़ ये सब चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। yes,
हाँ एक्चुअली मेरे पास बहुत सारी वॉइस नोट्स हैं, लेकिन उसमें से मैं कुछ दो तीन आपको सुनाती हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि राखी कैसे अपने रंग बदलती है। पहले अपना काम निकालती है, जैसे ही काम निकल जाता है तो उसके बाद में अचानक से वो चेंज हो जाता है उसका। तो ये वॉइस नोट आप सुनिए। हाँ थैंक यू सो मच। रोजलिन खान को बोला, उसने मुझे ज़कात दे दी। ठीक है, तुम लोग को शर्म आनी चाहिए। लोग को एक दो बुरखे दे दिए ना। वन मिनट फिर से लेंगे वो यहाँ से ले लो ना। हाँ हाँ तो वो मुझे कोई ओके प्राण बहन। अरे नहीं हाँ थैंक यू सो मच। हाँ ठीक है। हाँ तो हाँ डायरेक्ट प्ले कर दो। ये सुनिए, रोजलिन खान को बोला, उसने मुझे ज़कात दे दी। ठीक है, तुम लोग को शर्म आनी चाहिए। उन लोग को एक दो बुरखे दे दिए ना, तो शर्म आनी चाहिए। ठीक है, मुझे ज़कात दे दी। अब रोजलिन खान से एक भी ब्रांड नहीं चाहिए। मेरे पास करोड़ों लोग हैं जो मेरे पिछवाड़े में पड़ जाए, बुरखे दो, ये दो, वो दो। मैंने एक बुरखा पहन के उनको बहुत पब्लिसिटी दे दी है। 5 लाख लेती हूँ मैं मेरी स्टोरी में डालने का। मैं पूरी दुनिया को बोल दूंगी ये मुसलमान लोग है, ये मुसलमान मेरे साथ कैसा कर रहे एक बुरखा के लिए, मुझे बुरखा पहना के। शेम ऑन दिस पीपल। सी, जिस वक्त वो ये सब वॉइस नोट भेज रही थी, उस वक्त वो खुद मुस्लिम कन्वर्ट हो चुकी थी। तो मैंने उसको मैसेज किया कि अब तुम भी मुस्लिम हो, तो प्लीज़ स्टॉप टॉकिंग अबाउट मुस्लिम्स, और तुमने अपना काम निकाल लिया है, तो अभी अपने रंग मत बदलो।